अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ऑटोकैड की डोनट एंड हीलिक्स की कमांड। डोनट की कमांड बेसिकली हम यूज़ करते हैं अगर हमने मैकेनिकल्स में अगर काम कर रहे हो, हम लोगों ने अगर व्हील्स वगैरह ड्रॉ करने हो, या इवन कहीं डिज़ाइंस में भी व्हील्स हम यूज़ कर सकते हैं। मतलब सर्कुलर कोई चीज़ जिसमें दो डायमीटर्स की हमें ज़रूरत हो, वहाँ पर हम डोनट की कमांड यूज़ करके इसे बनाया करते हैं। एंड हीलिक्स बेसिकली इज़ जस्ट अ काइंड ऑफ अ स्पायरल। ठीक है, स्पायरल अगर कहीं हमें देना हो, लाइक स्पायरल स्टेयर्स बना रहे हों, या स्प्रिंग हमने डिज़ाइन करना हो, या हम कोई इसी से रिलेटेड कोई चीज़ हम कर रहे हों, कोई काम कर रहे हों, तो फिर हम इसे हीलिक्स की कमांड से करते हैं। सो चलते हैं हम अपने ऑटोकैड की तरफ और हम देखते हैं कि हमने इसे किस तरह से परफॉर्म करना है। ऑटोकैड में हम ये ड्रॉ मेन्यू को अगर हम देखें तो इसमें आपके पास नीचे डोनट की कमांड है। ये आपने डोनट की कमांड को आपने किया एंटर, क्लिक किया या एंटर किया, और आपने ये आपसे कह रहे हैं कि स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। तो आपने इनसाइड डायमीटर आपने देना है, लाइक फीट। ठीक है, एंटर किया, रिक्वायर्स न्यूमेरिक डिस्टेंस मेरे ख्याल में। अच्छा एक सेकेंड, इसके मेरे आई थिंक कि यूनिट सेट नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर न्यू ड्राइंग खोलने से पहले आप यूनिट ज़रूर चेक कर लिया कीजिए कि ये डेसिमल से आर्किटेक्चरल में चेंज आपने किया है कि नहीं। बिकॉज़ कि ये अगर नहीं करेंगे तो आपकी ड्राइंग बिल्कुल भी आपसे सही हैंडल नहीं होगी। सो ये इंचेस में होना मस्ट है, और ये आर्किटेक्चरल आपकी आपकी लेंथ जो है इसका, ये आर्किटेक्चरल इन 0-0 प्रिसिशन ज़रूरी है। सो ये करने के बाद जब आपने ओके कर लिया, उसके बाद आप आएंगे डोनट, उसके बाद आप जाइएगा ड्रॉ मेन्यू के अंदर। ड्रॉ मेन्यू के अंदर से डोनट की कमांड को आपने क्लिक किया, आप आए और आपने स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर, इनसाइड डायमीटर आपने दिया 20 फीट, और फिर क्या किया आपने इसे एंटर, स्पेसिफाई आउटसाइड डायमीटर ऑफ डोनट आपके पास लिखा हुआ है, आपने आउटसाइड डायमीटर दे दिया 90 फीट, एंटर। सो इस तरह से आपके पास कोई डोनट की शक्ल निकल आई। अब इस डोनट को आप जितनी दफ़ा चाहें, जहाँ चाहें आप प्लेस कर सकते हैं। एक ही दफ़ा आपने बनाया है और आप 3-4 डिफरेंट जगहों के ऊपर, ये क्यों अटकने लग गया। अच्छा जी, 3-4 डिफरेंट जगहों के ऊपर आप इसे बना सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो एक दफ़ा और करते हैं। ड्रॉ मेन्यू में जाके हम डोनट को हमने ये क्लिक किया, वेयर इज डोनट, दिस इज डोनट। डोनट के बाद आपने इसे पहले इनसाइड डायमीटर दिया, इनसाइड डायमीटर अगर मैं, अच्छा दोनों में डायमीटर्स अगर मैं सेम दे दूँ तो सी क्या बनता है, ये भी आप देख लें। मैंने दोनों का 80 फीट अगर डायमीटर दिया तो इट विल क्रिएट अ जस्ट सर्कल। ठीक है, इसका इनसाइड एंड आउटसाइड सब दोनों सेम, बिकॉज के मैंने सेम डायमीटर दिया, इनसाइड एंड आउटसाइड का सेम डायमीटर दिया है, तो ये दो सर्कल्स नहीं बना रहा बल्कि एक ही बना रहा है। अच्छा जी, ये हो गया। और इसकी जो है वो आपके पास डोनट की अच्छा शॉर्ट की जो है ना, डी ओ आपने लिखना है। डी ओ अपने डी ओ लिखा तो आपके पास डोनट लिखा हुआ आ गया, आपने इसे क्लिक किया, एंड सेम वही तरीका, इनसाइड डायमीटर देंगे, आउटसाइड डायमीटर देंगे। अच्छा, वैल्यू पुट करना चाहें तो आप न्यू वैल्यू डाल सकते हैं। अगर आप इसी वैल्यू पे आपको डोनट बनाना है तो आपने ये क्लिक किया दो दफ़ा, बिकॉज के दो डायमीटर्स मांग रहा है वो, बट ये वही बन गया जिसमें हमने दोनों डायमीटर सेम रखे थे। अच्छा जी, मैं डी ओ की शॉर्ट कमांड दोबारा से लिखूं, अगर डी ओ डोनट, और मैं अगर इसके डायमीटर्स में अगर चेंज करूं, मैं 80 इनसाइड रख लेती हूं एंड मैं रख लेती हूं 100 आउटसाइड डायमीटर। सी मेरे पास कुछ इस तरह का शेप बन जाएगा। सो ये आप एक्सप्लोर करेंगे आज इंशाल्लाह, और जो है वो इसके बाद हम देखेंगे कि हीलिक्स की कमांड क्या है। अच्छा, यहीं पे चलेंगे हम ड्रॉ मेन्यू में, से पहले देखेंगे HELIX, वेयर इज इट, इट इज़ ओवर हेयर। ठीक है, आपने हीलिक्स आप गए, आपने इसे क्लिक किया, नाउ आपने ये नीचे कमांड लाइन में जो आपके पास मैसेज है आपने वो रीड करना है। स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ बेस, जहाँ आप बनाना चाह रहे हैं आपने उसका सेंटर पॉइंट दिया। ना वो पूछ रहे हैं आप रेडियस दे दें, ठीक है मैं दे रही हूँ 40 फीट, कि मुझे ओवरऑल 40 फीट के अंदर अंदर ही, या मतलब उतना ही चाहिए, मैंने 40 फीट दे दिया इसे।
सो ये इतना बन गया, आप इसे यहीं पे क्लिक कर देंगे डबल क्लिक तो ये यहीं पे एंड हो जाएगा। दोबारा से करते हैं, ड्रॉ मेन्यू में हेलिक्स फर्स्ट, अगर मैंने ये 40 फीट दिया, एक एंटर किया, अब ये मैं मूव कर सकती हूँ इसे, मैं जितना चाहूँ मैं इसे बढ़ा सकती हूँ, और अंदर करना चाहूँ तो मैं अंदर भी लेकर जा सकती हूँ, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो अगर अगर अंदर किया तो ये 40 फीट से, अगर 40 फीट आपके आउटर लिमिट है तो आप उसके अंदर बनाएंगे। ठीक है, आपका इतना एरिया आपके पास है कि लाइक ये कि मेरे पास मेरा ये जो एरिया है इतना, इसके अंदर मुझे चाहिए अपना डोनट, तो इसका मैं पहले एरिया देख लूँ कि ये है कितना, बल्कि इसके ऊपर ही क्लिक करते हैं और इसकी कोई प्रॉपर्टीज़ में जाके आप देख लें कि बल्कि हमें पहले बनाना पड़ेगा इसको, बाउंड्री तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर गए हम, हमने एरिया हमने चेक किया। सो इस तरह से आप इसका एरिया, बल्कि हमने ये लेक्चर भी लिया था कि अगर किसी जगह का किसी चीज़ का एरिया निकालना हो तो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। दूसरा एक हमारे पास तरीका ये था कि अगर हमने डायमेंशन लेनी हो यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो हम देखेंगे कि ये कितनी है, ये डायमेंशन हमारी, हमने डायमेंशन स्टाइल भी इसका सेट नहीं किया हुआ तो वो भी कर लेते हैं। हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर, डायमेंशन स्टाइल के अंदर हम मॉडिफाई में जाएंगे, और हमने प्राइमरी यूनिट्स हमने नहीं सेट किए हुए, हम वो सेट करेंगे। इट्स वेरी नेसेसरी बच्चों, ये आप ज़रूर देख लिया कीजिए कि आपके यूनिट्स सेट हैं कि नहीं। ओके हो गया, और फिर दोबारा से मॉडिफाई देखें आप, टेक्स्ट का कलर अगर आप रेड कर देंगे ना तो आपको दूर से नज़र आएगा कि हाँ जी टेक्स्ट दिया, और टेक्स्ट की हाइट भी बढ़ा दिया करें थोड़ी सी ताकि दूर से क्लियर हो। ठीक है, ये बार बार रिपीट करना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को मैं बार बार जान करके आपको शो करना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, ये आपने किया मॉडिफाई हुआ, तो इसके बाद आपने करना है सेट करंट। ठीक है, ये सेट करंट किया एंड देन क्लोज किया। अच्छा, अब इसकी जो हम डायमेंशंस अगर हम लेंगे ना तो ये हमें आराम से, ये देखो ये रेड में नज़र भी आ रहा है, 3648। सो अगर मैं हीलिक्स, हम हीलिक्स पे थे, अगर हमें ये मेरे पास इतना स्क्वायर है और मुझे इसकी इसके अराउंड ही चाहिए, ठीक है, तो मैंने यहाँ लाके इसे एक वो किया, क्लिक किया, और मैंने इसके अंदर जाके अपना हीलिक्स ड्रॉ करना है। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कि जो वैल्यू आपने देनी है जितना आपका एरिया हो उसके हिसाब से देनी है, कि जिसमें आपने, अगर ये छोटा बड़ा लग रहा है आपको तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो जितना एरिया, जिस एरिया में आप बनाना चाहते हैं आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है हीलिक्स ड्रॉ करने के लिए। अच्छा, हीलिक्स के लिए एक चीज़ और है कि आप शॉर्ट की आपकी एच ई एल लिखेंगे ना तो आपके पास हीलिक्स आ जाएगा। एक चीज़ आपने, जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं और एंटर किया, हीलिक्स को ड्रॉ करने से पहले और डायमीटर देने के बाद, ये यहाँ पर आ रहे हैं आपके पास, ये कुछ चीज़ें आ रही हैं कि एक्सिस, एंड पॉइंट, टर्न्स, टर्न हाइट, ट्विस्ट, ये सारा। इसमें से अगर आप एक्सिस को अगर क्लिक करेंगे ना तो यू कैन मूव योर हीलिक्स लाइक दिस। ठीक है, या आप किसी भी एक्सिस के ऊपर आप इसे ले आएँ, ये आपने वाई एक्सिस एंड इस तरह से, ये आप एक्स एक्सिस के ऊपर ले गए पॉजिटिव, एंड ये वाई नेगेटिव है। ठीक है, वाई पॉजिटिव ऊपर होता है, वाई नेगेटिव आपका नीचे आ रहा है, ये एक्स नेगेटिव, इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सिस पे हमने क्लिक किया। मैं दोबारा बता दूं आपको, मैंने हीलिक्स की शॉर्ट की लिए एच ई और एल लिख दिया आगे आप, और मैंने इसे ये किया और मैंने इसे एंटर किया कि जो भी इसके अंदर आ रहा है, फिर मैंने ये किया, क्लिक किया, जैसे ही मैंने इस यहाँ पे इतनी सारी ये चीज़ें लिखी आ गई, इसमें से मैंने एक्सिस को क्लिक किया तो ये मैं एक्सिस के ऊपर प्ले कर सकती हूँ। ठीक है,
तो मैंने यूँ इस तरह से ये अपना मैंने स्पायरल्स मुझे अगर कहीं देना है तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकती हूँ. सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज लेक्चर और इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अपने किसी नए टॉपिक के साथ. गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, सी यू सून.